भिवंडी निज़ामपुर सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ये जाहिर नोटिस अगर आपको दिख सकती है तो आप लोग देखें। टोटल धोखादायक बिल्डिंगों की एक लिस्ट बनी हुई है प्रभात वर्मा ने, मतलब हर वार्ड में या हर जोन में कितने बिल्डिंगें C1 कैटेगरी में हैं, C2A में है और C2B में है, ये कैटेगरी वाइज बना करके दिया है इन्होंने। और मेरी तमाम नागरिकों से रिक्वेस्ट है कि अपने घर नंबर को, अपनी बिल्डिंग के नाम को, पते को, एड्रेस को इस लिस्ट में चेक करें। ये लिस्ट वेबसाइट पर भी डाली गई है ताकि आपको आसानी हो और अकॉर्डिंगली आप लोग एक्शन करें। देखिए C1 कैटेगरी में ऑलमोस्ट 348, अगर मैं प्रभाग वाइज जाऊँ तो जोन नंबर 1 में 25 बिल्डिंगें हैं, जोन नंबर 2 में 14 बिल्डिंगें हैं, जोन नंबर 3 में 210 और जोन नंबर 4 में 73 और जोन नंबर 5 में 26, कुल मिलाकर 348 बिल्डिंग्स को C1 कैटेगरी में डाला गया है। C1 कैटेगरी मतलब इस बिल्डिंग को कॉरपोरेशन तोड़ने की तैयारी में है या इस बिल्डिंग को धोखादायक डिक्लेयर किया जा चुका है। अब इसका डिफेंस आपका ये है, अगर आपकी बिल्डिंग वाकई अच्छी है तो स्ट्रक्चर ऑडिट करा करके आप अपनी चीज़ को असेस करके कॉरपोरेशन को रिप्लाई दिलवाइए अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर के थ्रू। दूसरी कैटेगरी जो C2A है, जिसमें कि बहुत मेजर रिपेयर्स है, इसमें बिल्डिंग खाली करके रिपेयर करना है, बिल्डिंग खाली करके रिपेयर करना, ये जिस कैटेगरी है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 2015 में बनाई हुई है, C1, C2A, C2B और C3। C1 मतलब धोखादायक बिल्डिंग डिक्लेयर हो चुकी, उसको तोड़ना ज़रूरी हो गया है या उसकी ऐसी कंडीशन होगी कि आप अगर बनाएंगे तो बनाने रिपेयर करने से ज़्यादा रिपेयर का खर्चा ज़्यादा होगा, बनाने का कम होगा, इस हिसाब से मतलब उसको C1 में डाला गया है। अभी C2A के अंदर में है मेजर रिपेयर्स की बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर रिपेयर्स मेजर है, उसके अंदर में आपको बिल्डिंग को खाली करके रिपेयर करना है, बिल्डिंग में रहते हुए रिपेयर करने का परमिशन नहीं मिल सकता इसके अंदर में। मैं प्रभाग वाइज अगर देखूं तो जोन 1 के अंदर में 13 बिल्डिंगें हैं, जोन 2 यानी प्रभाग नंबर 2 में 55 बिल्डिंग है, जोन नंबर 3 उसमें 119 बिल्डिंगें हैं, जोन नंबर 4 के अंदर 4 नंबर प्रभाग में 111 बिल्डिंगें हैं और 5 नंबर प्रभाग में 135 बिल्डिंग है। इसको अगर मैं टोटल करता हूं तो ऑलमोस्ट 333 बिल्डिंगें ऐसी हैं जो C2A कैटेगरी में हैं। याद रखिए पूरे भिवंडी लिमिट्स का सर्वे होने के बाद कॉरपोरेशन ने कंक्लूजन निकाल के लिस्ट बनाई है। मैंने आपको बताया कि C1 में 348 बिल्डिंग्स हो गई और C2A के अंदर में 333, मतलब 333 बिल्डिंगें हैं प्रभाग वाइज। अगर किसी को चाहिए होगा हमारे ऑफिस में आकर बात मालूम ले सकता है। उसके बाद C2B कैटेगरी है जिसके अंदर में मेजर स्ट्रक्चर रिपेयर्स हैं बट वो आपको आपके फ्लैट में, आपके घर में, आपके बिल्डिंग में रहते हुए आप उसको रिपेयर करवा सकते हैं। तो इस हाँ C2A के अंदर में एक बात और मुझे बताना रह गया, सॉरी, कि अगर C2A बिल्डिंग है जिसमें आपको नोटिस आ चुका है तो तुरंत ही आप लोग उसको स्ट्रक्चर ऑडिट करवाइए। ऑडिट कराने के बाद आप असेस कीजिए कि भाई कहाँ हम खड़े हैं, आपका इंजीनियर क्या बोलता है। नहीं तो C2A के अंदर में कॉरपोरेशन को राइट है कि वो आकर के आपका पानी और पावर कट कर देगी। याद रखिए पानी और पावर कट हो जाता है C2A बिल्डिंगों का, उसमें कोई सुनवाई होती नहीं, फिर आप जब तक स्टेबिलिटी देंगे नहीं वो रीइंस्टॉल नहीं होगा। और साथ ही साथ आजकल गैस कनेक्शन भी काटने की बातें होती हैं, गैस का कनेक्शन भी काटने के लिए आपके गैस सप्लायर को लेटर दिया जा सकता है और उसके बाद वो खाली हो सकता है, मतलब बंद हो जाएगा। प्लस इसके साथ ही साथ ये दोनों कैटेगरी में C1 और C2A के अंदर में आपके लोकल एरिया पुलिस स्टेशन को भी, इंचार्ज को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि बिल्डिंग धोखादायक है, कुछ होगा तो जवाबदारी हमारी नहीं, इनको फोर्सफुली खाली कराइए। तो C1 और C2A दोनों कैटेगरी में कॉरपोरेशन को राइट है कि आपको खाली करा सकती है। अब C2B की जरा बात कर लें जिसमें मेजर रिपेयर्स हैं मगर आप रहते हुए बना सकते हैं। इसमें जोन नंबर 1 में 98 बिल्डिंग्स हैं, जोन नंबर 2 में 27 बिल्डिंग्स हैं, जोन नंबर 3 में 63, जोन नंबर 4 में 24 और जोन नंबर 5 में 2, यानी टोटल 214 बिल्डिंगें इसकी होती हैं। तो अगर हम देखें
कि भिवंडी में टोटल बिल्डिंगें सी टू बी के अंदर में 214 हैं। ये 214 बिल्डिंगों में मेजर रिपेयर है, इसमें आपको रिपेयर कराना है, स्ट्रक्चर ऑडिट भी कराना है, और रिपेयर के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि इंजीनियर्स नॉर्मली साल भर के लिए देते हैं तो वो आपको सबमिट करना है। तो उसके बाद अगली कार्रवाई रुक जाएगी। अदरवाइज़ ये सी टू बी वाले अगर सोते रहे, ये समझे कि भाई हमारा नाम तो सी टू बी में, हमको कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा नहीं है, फिर कुछ महीनों के बाद इसको सी टू ए में डाला जाएगा। जब तक आपको ऑडिट सबमिट नहीं होता है तो सी टू ए की कार्रवाई करने के बाद सी वन में भी डाल सकते हैं। ये कॉरपोरेशन के ऑफिसर को राइट है कॉरपोरेशन के एक्ट के हिसाब से। अब टोटल 895 बिल्डिंगें धोखादायक या सी वन सी टू ए और सी टू बी कैटेगरी में आ चुकी हैं पूरी भिवंडी से। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ 895 बिल्डिंग ही खराब है या उसको ही देखा गया है, हो सकता है इससे ज़्यादा बिल्डिंग हो। और हम इस टाइम का क्यों इंतज़ार करें कि कोई आपको धोखादायक बोले तो आप कार्रवाई करें? आप अपनी बिल्डिंग को खुद देखें, अपने स्ट्रक्चर को खुद देखें, अपने जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट है जो भी है उसको खुद देखें, नहीं तो किसी इंजीनियर को बुला के दिखाएं कि काम दिखता है क्या, जूनी बिल्डिंग है मतलब 30 साल से ऊपर की बिल्डिंग है और सामने से कुछ ख़राब दिख रहा है और सामने से काम दिख रहा है, कोई चीज़ गिर पड़ रही है, प्लास्टर उखड़ रहा है और वाटर प्रूफिंग लीकेज है या ड्रेनेज लाइन लीकेज है, जो भी है आप उसको बुला करके दिखाइए इंजीनियर को और उनसे सलाह मशवरा करके प्रॉपर बनाइए। कॉरपोरेशन का यह नोटिस निकालने का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप सेफ रहें। सेफ्टी में कैसा होता है कि कभी किसी को मालूम आप नहीं होती कि वो किस खतरनाक जगह पे बैठा है, बिल्डिंग उसकी कितने खतरे में है और अगर बिल्डिंग गिरेगी तो क्या हो सकता है। मैं हो क्या सकता है आप लोगों ने देखा होगा जीरानी बिल्डिंग का वाकया, अफसोस ऐसा बड़ा वाकया भिवंडी में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ था, आपको याद होगा 40 के ऊपर लोगों की जाने गई थी और हम लोग तो वहाँ थे, हमें अंदाज़ा है, बहुत दुख है, मतलब कि हम लोग कुछ गिरने के बाद कोई कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ लाशें उठाना, जख्मियों को ले जाना और रेस्क्यू ऑपरेशन, बस और कुछ नहीं होता। हाँ, गिरने के पहले का बहुत टाइम है, बहुत मौका है अभी आपके पास, प्रॉपर वे में कार्रवाई करिए। मेरा बोलना यह है कि अगर आपके तबीयत ख़राब होती है, आपकी कुछ बीमारी है तो प्रॉपर डॉक्टर के पास जाकर आप इलाज कराते हैं। बिल्डिंग बेचारी जा सकती नहीं किसी के पास, आपका स्ट्रक्चर किसी के पास किसी डॉक्टर के पास जा सकता है। बिल्डिंग के जो स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं यानी कि जो उसके डॉक्टर्स हैं उनको पेशेंट को देखने और बिल्डिंग को देखने के लिए आना पड़ता है, तो आपको उनको कॉल करना है। प्रॉपर में उनका जो भी फीस और जो भी चार्जेस होते हैं देख करके अगर आप करेंगे, उनके सही मशवरे के तहत काम करें। हमारा यही मुद्दा है कि आप यहाँ सेफ रहें और कोई ऐसा हादसा भिवंडी में फिर डबल से बड़ा ना हो। रखें रिपेयर के वक्त में कि दवाइयाँ जैसे हम लोग बराबर मेडिकल स्टोर से लेते हैं, अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर खाते हैं, ऐसे ही रिपेयर के काम भी जो इंजीनियर की सुपरविजन में कराएं आप, क्योंकि काम क्या हो रहा है अगर इंजीनियर को मालूम नहीं है तो सर्टिफाई नहीं कर पाएगा, और प्रॉपर वे में प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए, ना कि हम लोग कहीं से आदमी पकड़ के लाएं। आजकल बहुत से कॉन्ट्रेक्टर ऐसे निकले हैं, अरे वो इंजीनियर को क्या समझता, हम बना के दे देते हैं करके, तो ये बातें हमारे कान तक आई है और अफसोस भी है कि कुछ लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं और लिपापोती करके आप छुपाते हैं। तो ठीक है, आपने छुपा लिया, एक साल बिल्डिंग आपके खतरे से बाहर हो गई, दिख गया, फोटो में आ गया, लेकिन धोखा किसको दे रहे हैं आप? हाँ, तो धोखा अपने आप को ही दे रहे हैं ना, क्योंकि वो चीज़ जो प्रॉपर वे में बन के 5-10 साल चलना चाहिए, मजबूती उसकी रखना चाहिए, उसको आप छुपाते हुए, उसको बराबर काम नहीं करते हुए आप खुश है कि मेरा कुछ दिख नहीं रहा, क्रैक वगैरह छूट गया करके, और वो कॉन्ट्रेक्टर लमसम में पैसे लेकर के आपके चला भी जाता है, उसके बाद ना कॉन्ट्रेक्टर का पता ना काम का पता, और 2 साल बाद फिर पता चला बिल्डिंग आपकी पहले से ज़्यादा खस्ता हालत, क्योंकि उसकी बीमारी आपने छुपा दी है, इलाज नहीं किया है, अंदर जैसे स्टील को जंग लगा था या वाटरप्रूफिंग लीकेज थी या प्लास्टर फटा हुआ था, बाहर से उसको एसिडिटी का अटैक हो रहा था, वो सब आपने छुपा दिया, कलर के जरिए, लांबी के जरिए, पुट्टी के जरिए, जो भी छुपा दिया, तो छुपा करके आप अपने आप को धोखा देंगे। मेरा बोलने का मुद्दा ये है कि हर चीज़ का प्रॉपर एक सिस्टम होता है बनाने का, चेक करने का, उसके केमिकल ट्रीटमेंट देने का, उसके ट्रीटमेंट के बाद उसको क्यूरिंग करने का, उसको कैसा करना चाहिए, जैकेटिंग करने का, जो भी सिस्टम है, ये सब चीज़ें जो है प्रॉपर इंजीनियर के थ्रू कराएं आप, और हेल्दी और खुश रहें और सुखी रहें और सेफ रहें, ये इंटेंशन हमारा है। थैंक यू।